हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहिए कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस साल के दूसरे ग्रहण के बारे में। तो ये 26 मई को चंद्र ग्रहण गया था, अब 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसकी टाइमिंग क्या होगी, सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा, और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वॉशरूम जा सकती है, टीवी देख सकती है, फ़ोन चला सकती है, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए मैं यहाँ पर डेली वीडियो लाती रहती हूँ। और साथ ही जो बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर ले, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस साल कुल 4 ग्रहण लगने वाले, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। तो फ्रेंड्स, जो पहला चंद्र ग्रहण वो 26 मई को लगा था, अब जो दूसरा ग्रहण वो 10 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो सूर्य ग्रहण उसकी टाइमिंग क्या है। वो 1:42 से लेकर 6:41 तक लगेगा। लगभग फ्रेंड्स 5 या 6 घंटे का ये ग्रहण लगने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे पहले चंद्र ग्रहण गया था उसी तरह जो ये सूर्य ग्रहण, ये भी आंशिक रूप में दिखाई देगा। आंशिक रूप में मतलब भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देने वाला, मतलब ना के बराबर ही दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी टेंशन खत्म हो गई कि इसके अंदर सूतक काल मान्य नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स 5-6 घंटे का सूर्य ग्रहण होता है और उसके बाद फिर ये सूतक काल तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है गर्भवती महिला को ध्यान रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी टेंशन खत्म हो गई कि इस दूसरा ग्रहण अब जल्दी आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, एक फ़ायदा भी है कि इसके अंदर सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ग्रहण कोई भी हो, असर थोड़ा हो या ज़्यादा हो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ग्रहण लगना और ग्रहण का होना एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब कि ग्रहण तो सूर्य के ऊपर ही लगने वाला है, तो ग्रहण का पूरा असर, पूरा ना सही थोड़ा सा असर तो हमारे ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर थोड़ा सा ज़रूर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस समय जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख सकती हैं। जैसे सूतक काल मान्य नहीं होगा तो उस टाइम आप अपना खाना वगैरह खा सकती हैं, मंदिर वगैरह पूजा कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उस टाइम आपको कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जब सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है 1:42 से लेकर, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको ऐसे रूम में रहना है जहाँ पर सूरज की किरणें ना पहुँच सकती, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है पुराने टाइम से, हिंदू धर्म के अंदर तो ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है, और उसके साथ ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया फैल जाते हैं जो हमारे वातावरण को दूषित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका थोड़ा ही असर हमारे भारत में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली कि आपको ये कीजिए, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक ग्रहण लगता है तब तक आप घर से बाहर ना निकले, आप डार्क आसमान के टच में ना आए, बाकी आप जो खाना चाहे वो कर सकती हैं, और आप साथ ही नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें उस टाइम पर, चाकू छुरी वगैरह मत यूज किए, उस टाइम आप खा पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रूट खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, लेकिन उन्हें आपको पहले ही कट करके रखना है, या आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं, उन्हें आपको खुद से कट नहीं करना है। नेक्स्ट फ्रेंड, आपको क्या करना है कि जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप नहा लीजिए, और साथ ही फ्रेंड अपने पूरे घर में जो गंगा जल होता है वो छिड़क लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छा ही होता है, गंगा जल को हम शुभ मानते हैं। आप छिड़क कर अपना जो भी काम होता है वो कर सकते हैं। जो आपने ग्रहण के दौरान अपने कपड़े पहने हुए हैं उन्हें आप दान कर सकते हैं, अगर दान नहीं कर सकते तो आप उन्हें अच्छे से धोकर फिर आप पहन सकते हैं, मतलब जो ग्रहण के टाइम पर कपड़े पहन रखे उनको आप निकाल दीजिए, फिर आप दूसरे कपड़े पहन लीजिए। बाकी फ्रेंड्स, आप टीवी देख सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण के दौरान बस बाहर ना निकले, वॉशरूम जा सकते हैं, अगर आपका वॉशरूम बाहर है तो आप अपने ऊपर अच्छे से अपने आपको कवर करके तब आप वॉशरूम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इस साल का जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसमें आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बता दिया कि इस सूर्य ग्रहण का इतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। करने वाली प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ऐसे कुछ हैक्स बताने वाली हूँ, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा ब्रेस्ट एरिया होता है वो उसका साइज बढ़ जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंट महिला न्यू ब्रा खरीदती हैं। तो फ्रेंड्स,
अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन शॉपिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अमेजोन से, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपके बेबी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मैंने चूज करके रख रखे कि आप जो भी खरीदना चाहे आप खरीद सकते हैं। तो फिर उसके लिए एक बड़ा एक्सटेंडर आता है, आप उसे वो बड़ा का आपको यहाँ पे पिक में दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसे यूज करते हैं तो अपने बड़ा का आपका एक दो साइज आपका बढ़ सकता है, तो आपको न्यू बड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है कि जब भी महिलाएं फीडिंग कराते हैं अपने बच्चे को, तो फ्रेंड्स उन्हें बार बार अपने बड़ा को पूरा ऊपर उठाना पड़ता है, तो फ्रेंड इसी वजह से क्या होता है उन्हें बार बार अनकंफर्टेबल फील होता है। फ्रेंड्स अब आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि मार्केट के अंदर जो आपको फीडिंग बड़ा आती है आपको उन्हें पूरा से उठाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से खोल सकते हैं और अपने बच्चे को आसानी से दूध पिला सकते हैं। आप ये सब आप अपने पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है कि आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप जो नॉर्मल पैड होते हैं वो यूज करते हैं, और उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स हम इतने कमज़ोर होते हैं, हमें बार बार हम पैड चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए फ्रेंड मैटरनिटी पैड आते हैं आपकी डिलीवरी होने के बाद, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी महिला का फेस इतना ख़राब हो जाता है, छाई हो जाती है, और जो डिलीवरी होने के बाद भी ठीक नहीं होती, तो फ्रेंड्स क्या होता है आप अपने फेस का बिल्कुल भी केयर नहीं करते प्रेगनेंसी के अंदर, तो फ्रेंड उसके प्रोडक्ट है दी मोम्सको के प्रोडक्ट, आप वो खरीद सकते हैं अपने पूरे फेस। तो फ्रेंड्स मोम्सको के या बायोटिक के कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो स्पेशल प्रेगनेंसी में यूज किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको अपना प्रेगनेंसी केयर जरूर करना है तो आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है कि जैसे हमारा बच्चा हो जाता है तो बच्चे को फीडिंग कराने के लिए हमें जो अपनी टी शर्ट होती है कुर्ती होती है उसे पूरा ऊपर उठाकर हम कहीं बाहर होते हैं हमें ऐसा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो फ्रेंड्स अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको फीडिंग टी शर्ट आती है, अगर आप टी शर्ट नहीं पहन सकते तो फ्रेंड्स आप कुर्ती ले लीजिए, कुर्ती को आप बिल्कुल बस यहाँ पर एक चेन होते आप उसे खोलिए और अपने बच्चे को आराम से फीडिंग करा सकते हैं, आपको अपना पूरा जो आप क्लोथ होते हैं कुर्ता पहने उसको उठाने की जरूरत नहीं होती। और फ्रेंड्स साथ ही क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर कुछ महिला को नींद नहीं आती तो आप उसे मैटरनिटी पिल्लो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन शॉपिंग जो भी होती है, जैसे आपकी डिलीवरी होने वाली है तो फ्रेंड्स अब जैसे लॉकडाउन चला है कोरोना का टाइम है तो आप अपने बच्चे के प्रोडक्ट घर पर ही मंगवा सकते हैं, उसके क्लोथ हो गए उसके टॉयज हो गए सब कुछ आप घर पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब शॉपिंग का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अमेजोन से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरी ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।